गाइस आई नो अभी भी कुछ स्मार्टफोन्स यूज़र्स हैं जिनका बजट ऑलमोस्ट 8000 तक का होता है, यानी कि उनको ऑलमोस्ट 8000 में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन चाहिए रहता है। कुछ को अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए होता है और कुछ को सेकेंडरी यूज़ के लिए भी चाहिए होता है। वेल, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 स्मार्टफोन्स अंडर 8000, और ये स्मार्टफोन्स 8000 के बजट पे काफ़ी ठीक स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको 5000 mAh तक की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, इवन स्टॉक एंड्रॉयड तक वाले स्मार्टफोन्स आपको 8000 में देखने मिल जाते हैं। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हम वीडियो की स्टार्टिंग में एक काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, इवन काफ़ी अच्छे बजट में आता है। और एंट्री लेवल के लिए मैं ये बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि एंड्रॉयड गो वाला वेरियंट भी देखने के लिए मिलता है और आपको एक फुल एंड्रॉयड वेरियंट भी देखने के लिए मिलता है। और आई थिंक कुछ लोग समझ भी गए होंगे, बट ये माइक्रोमैक्स इन वन वी है। माइक्रोमैक्स इन वन वी काफ़ी ठीक स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसे इस फ़ोन के अंदर आपको 6.52 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। गाइस ये एक IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। इवन ये स्मार्टफोन MediaTek Helio Z35 प्रोसेसर के साथ आता है, और MediaTek Helio Z35 प्रोसेसर कोई गेमिंग चिपसेट नहीं है, बट आप इस पर फ्री फायर काफ़ी अच्छे सेटिंग्स में खेल सकते हैं। इवन आप PUBG Lite को भी हाई सेटिंग्स तक खेल सकते हैं। इस सब के साथ आपको फ़ोन के रियर साइड में 13+2 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। कैमरा वाइज भी फ़ोन डिसेंट है, कि आपको इस प्राइस पर भी काफ़ी ठीक कैमरा ये फ़ोन प्रोवाइड कर पा रहा है। और अगर मैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में बात करता हूँ, वेल गाइस फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। फ़ोन 10 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इस सब पैकेज को मिलाकर अगर मैं इस फ़ोन के प्राइसिंग की बात करता हूँ, वेल इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक तो 2GB रैम 32GB रोम वाला, और 2GB रैम 32GB रोम वाला वेरिएंट जो है वो एक एंड्रॉयड गो वेरिएंट है, यानी उसमें आपको एंड्रॉयड का एक छोटा वर्जन देखने के लिए मिलता है। फंक्शन सारे वर्किंग होते हैं, बट जो ऐप होते हैं उनके साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करके गो एप्लीकेशंस बना दिया जाता है। और ये वेरिएंट का प्राइस आपको ऑलमोस्ट 6499 से लेकर 6999 तक देखने के लिए मिल जाता है। और इस सब के साथ एक वेरिएंट देखने के लिए मिलता है 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट जो है, उसका प्राइस आपको 7999 देखने के लिए मिलता है। और ये फ़ोन दोनों ही प्राइसिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन मैं बोलूँगा, क्योंकि MediaTek Helio Z35 प्रोसेसर देखने मिल रहा है, एक आपको काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने मिल रहा है, 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल रही है, इवन स्टॉक एंड्रॉयड भी देखने के लिए मिल रहा है। और इस रीज़न से ये फ़ोन इस प्राइसिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, यानी 8000 के नीचे ये फ़ोन ठीक है। नाउ हम लोग बात करते हैं पोको C3 के बारे में। गाइस पोको C3 काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है रेडमी 9A की तरह, क्योंकि ये फ़ोन सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। वेल, इस फ़ोन के बारे में अगर कुछ और बात करता हूँ, ये फ़ोन आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप अपने एक सेकेंडरी यूज़ के लिए फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिले, तब ये फ़ोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप इस पर कॉल करने के अलावा कोई ज़्यादा हाई लेवल वाले टास्क नहीं कर पाएंगे। वैसे कुछ गेमिंग्स कर सकते हैं, जैसे आप फ्री फायर खेल सकते हैं, PUBG लाइट आप इजीली इस फ़ोन पर प्ले कर सकते हैं। और इस फ़ोन की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ, 6.53 इंच की आपको HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। ये भी MediaTek Helio Z35 प्रोसेसर पे आता है। सेम आपको 13 मेगापिक्सल का इसमें एक सिंगल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। साथ में फ़ोन भी 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, 10 वॉट की क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है, बॉक्स के अंदर 10 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिलता है। और इस सबको मिलाकर अगर मैं इस फ़ोन के भी प्राइसिंग की बात करता हूँ, वेल इसमें भी इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको 7499 देखने के लिए मिलता है, और इस प्राइस पे ये फ़ोन भी ठीक बोलूँगा। और अगर आप लोग इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करें, वेल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये MIUI के साथ आता है और हम सब जानते हैं MIUI इतना ज़्यादा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको माइक्रोमैक्स इन वन वी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें USB टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। सेम प्राइस पर 4GB रैम 64GB रोम प्रोवाइड कर रहा है। और ये सब बातें हो गई इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। नाउ हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्लेस वाले स्मार्टफोन के बारे में। वेल गाइस मैंने फर्स्ट प्लेस पे प्लेस किया है Realme Narzo 20A।
गाइज मैं जानता हूँ ये फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको इसका प्राइस 8,499 देखने के लिए मिल जाता है, बट जो पिछले दो स्मार्टफोन्स हैं जो 8,000 के नीचे आते हैं या 8,000 की प्राइस पे आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। मैं ये बोलूँगा ऑलमोस्ट डबल अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, लेकिन आपको स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। गाइस स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर पबजी को हाई सेटिंग्स पर प्ले करने के लिए कैपेबल है, और दूसरे जो स्मार्टफोन्स आते हैं 8,000 के प्राइस पर या 8,500 के प्राइस पर, वो पबजी प्ले भी नहीं कर पाते, बट ये फ़ोन हाई सेटिंग्स तक पबजी को प्ले कर सकता है। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको इस फ़ोन के अंदर। डेली टास्क के लिए ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और आपको इसमें 12+2+2 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलता है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। फ़ोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है सिमिलर, और आपको 10W की सेम फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं इस सब पैकेज को मिलाकर इसके प्राइस की बात करता हूँ, तो 8,499 है। और इस फ़ोन के बारे में अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ अगर आप लोगों के साथ, वेल ये फ़ोन काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है अपने प्राइस के लिए। और मैंने ये फ़ोन पर्सनली अपनी फैमिली में परचेज़ कराया है, और इस रीज़न से मैं जानता हूँ ये फ़ोन बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। इन हैंड फील इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट देखने के लिए मिलेगा। और वैसे आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा होगा, और लगा है तो एक लाइक तो बनता है यार। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।